बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर फोर स्टार्ट करेंगे हम। चैप्टर फोर का सेकंड लेक्चर है, ठीक है। यहाँ पे आज हमारा लेक्चर है, उसका नेम है लाइट माइक्रोस्कोप एंड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इन दोनों में डिफरेंस देखेंगे। जिसका फर्स्ट लेक्चर था चैप्टर फोर का, चैप्टर का हमारे नेम है सेल्स एंड टिश्यूज। इसमें आपने पढ़ा था मैग्निफिकेशन पावर के बारे में, डिसॉल्विंग पावर के बारे में। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप और लाइट माइक्रोस्कोप। इन दोनों में हम डिफरेंस देखेंगे, इन दोनों की जो रिजॉल्विंग पावर है उसमें कितना डिफरेंस आता है, जो मैग्निफिकेशन पावर है उसमें कितना डिफरेंस आता है, या इसमें हम किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी स्पेसिमन को किस तरह से हम उसके स्ट्रक्चर स्टडी करते हैं, किस तरह से हम उसको देख सकते हैं, इसमें ये देखते हैं, ठीक है। दोनों में डिफरेंस देखेंगे हम। फर्स्ट जो पॉइंट है, यहाँ पे लाइट माइक्रोस्कोप की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपकी बुक के अंदर मेंशन है लाइट माइक्रोस्कोप में होता क्या है। ऑब्जेक्ट को हम इसके अंदर यहाँ पे प्लेस करते हैं स्टेज के ऊपर, ठीक है, और इसमें से विजिबल लाइट पास की जाती है। इसमें से जैसे ही लाइट पास की जाती है वो लाइट रिफ्लेक्ट करती है जो हमारा ऑब्जेक्ट पड़ा होता है नीचे उसके ऊपर से, और फिर वो हमें ऑब्जेक्ट मैग्नीफाई करके दिखाती है, ठीक है। इसमें लाइट के जरिए से विजिबल लाइट अगर पास करेंगे, लाइट के जरिए से ऑब्जेक्ट जो है वो हमें मैग्नीफाई करके दिखाया जाएगा, उसके पार्ट्स हम देख सकते हैं। बट जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है, ये सबसे ज्यादा एडवांस टाइप है हमारे पास माइक्रोस्कोप की। अब इसमें क्या होता है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में, इसमें हम अपने स्पेसिमन को यानी ऑब्जेक्ट को और जो लेंस होता है वो एक चैम्बर के अंदर फिक्स हुए हुए होते हैं, ठीक है। एक चैम्बर में मौजूद होते हैं और वहां से फिर उस चैम्बर के अंदर से, चैम्बर का मतलब यानी जिसमें कोई एयर मौजूद नहीं है, जिसमें हवा मौजूद नहीं होती, तो उस चैम्बर के अंदर से फिर इलेक्ट्रॉन्स पास किए जाते हैं। आपकी बुक के अंदर इस तरह से मेंशन है कि बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज पास थ्रू द ऑब्जेक्ट। उस ऑब्जेक्ट से जिसको भी हम स्टडी करना चाह रहे हैं, जिसको मैग्नीफाई करके हम देखना चाह रहे हैं, उसमें से इलेक्ट्रॉन्स पास किए जाते हैं। फिर इलेक्ट्रॉन्स के गुजरने से वो या तो स्पेसिमन के अंदर वो जाते हैं, ठीक है, उसके अंदर से गुजरेंगे या रिफ्लेक्ट हो जाते हैं, तो उससे फिर एक इमेज बनता है ऑब्जेक्ट का और फिर वो हमें दिखाई देता है। यहाँ पे जस्ट हम लाइट की बात करेंगे कि विजिबल लाइट जो है वो पास की है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स यूज नहीं होते। अगर इसकी बात करें लाइट माइक्रोस्कोप में, इसमें दो तरह के लेंसेज यहाँ पे मेंशन है आपकी बुक के अंदर, कि दो लेंस इसमें बेसिकली काम कर रहे होते हैं, सेपरेट सेपरेट उनका फंक्शन है, वो हम देखते हैं। जो पहला लेंस है वो क्या करता है, पहला लेंस जो है हमारे ऑब्जेक्ट का इमेज बड़ा करके हमें दिखाएगा, ठीक है, उसको एनलार्ज करके, उसको मैग्नीफाई करके बड़ा करके दिखाएगा। दूसरा जो हमारे पास है यहाँ पे, ये इलाज करेगा उस इमेज को बड़ा करके दिखाएगा, ठीक है। जो सेकंड लेंस हमारे पास, उस इमेज को मैग्नीफाई करेगा। मैग्नीफिकेशन की, रिजॉल्विंग पावर की दोनों डेफिनेशंस आपने मेरे लेक्चर में पढ़ी है, ठीक है। मैग्नीफाई करना, साइज को उसके अपेरेंट साइज से बड़ा करके दिखाना। रिजॉल्विंग पावर की आपने डेफिनेशन पढ़ी, रिजॉल्विंग पावर के हमारे पास अगर ऑब्जेक्ट्स हैं उनको एक स्पेसिफिक डिस्टेंस पे, उनको अगर हम डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के तौर पर क्लियरली देख सकते हैं तो ये रिजॉल्विंग पावर कहलाती है, ठीक है। तब यहाँ पे दो फिर इमेजेस, सॉरी यहाँ पे दो लेंसेज यूज हो रहे हैं। एक लेंस क्या करता है, एनलार्ज करेगा इमेज को, दूसरा लेंस क्या करेगा, मैग्नीफाई करेगा हमारे उस इमेज को। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पे इसकी मैग्निफिकेशन पावर की और रिजॉल्विंग पावर की, लाइट माइक्रोस्कोपी कितनी होती है, तो मैग्निफिकेशन पावर जो है इसकी वो तकरीबन कितनी है, 1500x आपकी बुक के अंदर जो मेंशन है, यानी ये किसी भी ऑब्जेक्ट को 1500 टाइम्स बड़ा करके आपको दिखा सकता है। और अगर इसकी रिजॉल्विंग पावर की बात करें तो वो है 0.2 माइक्रोमीटर। माइक्रोमीटर को अगर हम मिलीमीटर में देखें तो ये कितना बनता है, ये 1/1000 मिलीमीटर या 10^-3 मिलीमीटर बनता है। बट अगर हम मीटर में देखो तो 10^-6 मीटर बनेगा, ठीक है, ये माइक्रोमीटर की बात कर रहे हैं। तो रिजॉल्विंग पावर कितनी होगी इलेक्ट्रॉन कंपाउंड माइक्रोस्कोप की या लाइट माइक्रोस्कोप की, ये है 0.2 माइक्रोमीटर, जो कि एक स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया का भी साइज है, यानी इससे छोटा अगर किसी भी ऑब्जेक्ट होगा, कोई भी ऑब्जेक्ट होगा इससे छोटा अगर साइज है किसी ऑब्जेक्ट का, तो वो आप लाइट माइक्रोस्कोप से नहीं देख सकते, इतनी इसकी रिजॉल्विंग पावर है, इससे ज्यादा छोटा ऑब्जेक्ट ही आपको नहीं दिखा सकती, ये स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया का साइज है। बट अगर हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की, हमने कहा कि बहुत एडवांस है ये माइक्रोस्कोप हमारे पास, इसकी रिजॉल्विंग पावर भी बहुत ज्यादा है, इसकी मैग्निफिकेशन पावर भी बहुत ज्यादा है। तो अगर इसकी रिजॉल्विंग पावर की बात करते हैं, यानी अगर हमारे पास ऑब्जेक्ट्स हैं, दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं, उनको एक स्पेसिफिक डिस्टेंस पे क्लियरली आपको ये दिखा सकती है, तो वो कितना है, 0.2 नैनोमीटर है। और यहाँ पे अगर हम नैनोमीटर की बात करते हैं, 1 नैनोमीटर 10^-6
मिलीमीटर के बराबर है, यानी इतना छोटा आपको करके दिखा सकती है। मैग्निफिकेशन बार की अगर इसकी बात करें तो कितना मैग्निफाई करेगी ऑब्जेक्ट को, 250,000 टाइम्स उसको बड़ा करके दिखाती है, यानी इस तरह से ऑब्जेक्ट को दिखाती है कि हम उसके अंदर मौजूद इंडिविजुअल एटम्स को देख सकते हैं, हम सेल्स को देख सकते हैं और ऑर्गेनेल्स उसके अंदर मौजूद देख सकते हैं। इवन यहाँ पे भी हम डीएनए प्रोटीन्स को स्टडीज के जरिए से कर सकते हैं, जितने भी इंटरनल स्ट्रक्चर हैं किसी भी एक सेल के उनको हम बहुत अच्छे से इसके जरिए से स्टडी कर सकते हैं, या किसी अगर एक ऑर्गेनेल को हम स्टडी करना चाहते हैं वो भी हम इसके जरिए से कर सकते हैं। यानी ये हमारे पास सबसे ज्यादा एडवांस टाइप है माइक्रोस्कोप की, जिसको हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बोलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास इसकी डाइमेंशनल की बुक के अंदर इसकी दो टाइप्स हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की। अगर आप पहले देखें यहाँ पे टाइप हमारे पास ये है ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, या इसको एब्रीगेट किया हुआ है, इसको किस तरह से एब्रीगेट करेंगे TEM, ठीक है, ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। दूसरी जो इसकी टाइप है वो है स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, या अगर हम इसको एब्रीगेट करें तो क्या बनेगा SEM। इन दोनों में डिफरेंस बताया हुआ है यहाँ पे कि जो हमारे पास ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है इसमें स्पेसिमेंट से इलेक्ट्रॉन ट्रांसमिट होते हैं, और ये हमें किसी भी सेल के इंटरनल स्ट्रक्चर्स को अगर हम स्टडी करना चाह रहे हैं, अगर अंदरूनी साखों का आप स्टडी इसको करना चाह रहे हैं, मुताला करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम ये वाली माइक्रोस्कोप की टाइप यूज करते हैं जो है ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। दूसरी जो हमारे पास है वो है स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इसमें स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में क्या होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन रिफ्लेक्ट करते हैं मेटल कोटेड सर्फेस से, यानी जो हमारा स्पेसिमन है या ऑब्जेक्ट है वो मेटल कोटेड है, उसके ऊपर मेटल की एक सर्फेस है, उससे रिफ्लेक्ट करेंगे इलेक्ट्रॉन्स, और रिफ्लेक्ट करने से फिर एक इमेज बनता है और फिर वो हमें दिखाया जाता है। तो अगर ये वाली हम टाइप यूज करें किसके लिए यूज करते हैं, इट यूज टू स्टडी द स्ट्रक्चर ऑफ सेल सर्फेस, सेल की सर्फेस को स्टडी करना चाह रहे हैं तो उसके लिए हम स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप यूज करेंगे। बट अगर आप सेल के अंदर मौजूद स्ट्रक्चर को स्टडी करना चाह रहे हैं, इंटरनल स्ट्रक्चर को स्टडी करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए हम यूज करेंगे ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो ये था हमारे पास डिफरेंस इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का और लाइट माइक्रोस्कोप का। अभी हम उनकी वो भी देख ली है, टाइप्स भी देखनी है, उनकी भी हमने स्टडी की है। नेक्स्ट जो हमारे पास है टॉपिक वो भी हम फिर नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे।